सो हेलो साथियों, स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। मैं हूँ विकास गुप्ता। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक अच्छे नस्ल पशु की पहचान कैसे करें, अच्छी दूध देने वाली गाय की नस्लें कैसी होती है, कौन सी कैसे क्या पहचान है उसकी। तो इन्हीं टॉपिक के ऊपर आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि कुछ पशु का कलेक्शन लेकर के आए हैं, जो कि देखेंगे कौन से पशु HF काऊ, गिर काऊ, इन सभी में क्या बेहतर है, उसकी पहचान क्या है। तो इन्हीं टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है थारपाकर पशु, जो कि राजस्थान की एक शान काऊ मानी जाती है। इसकी पहचान है कि ये पशु वाइट कलर में होती है, और ये इसकी मिल्किंग की बात करें तो ये अप्रॉक्स 10-12 लीटर से 16 लीटर मिल्क देती है। ये राजस्थान की पशुएं है, जो कि थारपाकर गाय की पहचान की बात करें तो थारपाकर राजस्थान, जोधपुर और में जयपुर और जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस नस्ल की गाय भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू गायों में गिनती की जाती है। इस गाय के उत्पत्ति स्थल मलानी है, राजस्थान के स्थानीय भागों में इसे मलानी नस्ल के नाम से भी जाने जाते हैं। चूँकि राजस्थान में कुछ स्थान है वहाँ पे इसे मलानी नामों से जाना जाता है। थारपाकर गाय की बात करें तो इसके मिनिमम प्राइस की बात करें तो 40 से 50 हज़ार से स्टार्ट होके ये लाखों तक की जाती है, क्योंकि ये थारपाकर राजस्थान की एक शान गाय मानी जाती है। तो इसकी प्राइस 40 हज़ार से स्टार्टिंग ही होती है, और इसकी अपेक्षा नहीं कर सकती इसकी मैक्सिमम कितना तक जा सकती है। नेक्स्ट है जर्सी काऊ। जर्सी काऊ में खास बात ये होती है कि ये थोड़ी छोटी कद की होती है। इसकी वेट की बात करें तो ये अप्रॉक्स 400 से 500 केजी की होती है, 400 से 500 मैक्सिमम 600 केजी की होती है। इसकी हाइट कम होती है, बट इसकी मिल्किंग अपने देश में काफ़ी अधिक, अपने इंडिया में काफ़ी अधिक इस पशु को पाला जाता है। इसकी मिल्किंग भी काफ़ी बेहतर होती है HF काऊ के कंपेयर में। ये भी जर्सी काऊ भी काफ़ी इंडिया में है, जो कि HF काऊ और जर्सी काऊ की संख्या इंडिया में काफ़ी अधिक प्रत्येक स्टेट में है। जो कि इसके अलावा भी गिर काऊ ये सभी है, अपने नस्ल की काऊ है, बट ये जर्सी और HF काऊ की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके भूरे रंग के शरीर पर लाल धब्बे होते हैं। इसे रोज़ 20 लीटर के समथिंग और ब्यात में 3500 से 4000 लीटर ये मिल्किंग देती है। इसकी वेट की बात करें तो 400 से 500 केजी की होती है, जो कि जर्सी काऊ है। ये छोटे नस्ल की होती है, छोटे कद की होती है, हर एक स्थिति में सर्वाइव कर जाती है। ये HF काऊ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं HF काऊ की। तो HF काऊ अधिकतर हम लोग प्रत्येक स्थान पे देखते ही हैं HF काऊ, जो कि होलस्टीन फ्रीजियन के नाम से जाना जाता है, जो कि ये विदेशी नस्ल की पशु है, बट अपने इंडिया में भी इसे दोगली नस्ल में इसे थोड़ा ब्रीडिंग पे काम करके इसकी नस्ल चेंज करके यहाँ भी काफ़ी हद तक ये काफ़ी बेहतर पशु मानी जाती हैं। हालांकि इसकी थोड़ी फैट वगैरह कम तो होती है अदर काऊ की अपेक्षा, लेकिन ये मिल्किंग की मामले में काफ़ी अधिक दूध देती है। इस वजह से अपने इंडिया में इस पशु को काफ़ी वर्चस्व दिए गए हैं, और काफ़ी अधिक पैमाने पे इसे पाले जाते हैं इन पशुओं को। तो HF काऊ को तो आई थिंक सभी कोई जानते हैं और इसे रखते भी है। इसको थोड़ा रख रखाव थोड़ी अच्छी से की जाती है, थोड़ी इसकी केयर की जाती है, क्योंकि ये और पशु का जैसा नहीं है कि किसी भी तरह किसी भी मौसम में किसी भी, जैसे जर्सी गाय है तो किसी भी टाइम पे सर्वाइव अच्छे से कर जाती है सीजन कैसा भी हो, लेकिन HF काऊ है इसको थोड़ा बढ़िया से संभाल कर रखा जाता है, इसके लिए सारा सुख सुविधा प्रोवाइड की जाती है, दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ये काऊ तमिलनाडु में अधिक पाया जाता है, जो कि बारागुर, जो ये इसका बड़े बड़े सींग होते हैं। इसकी कलर की बात करें तो कलर इसकी ब्राउन विथ वाइट होती है, इसकी जो रेड रेड और इसके शरीर पे वाइट कलर की होती है और ब्राउन कलर की होती है। ये काफ़ी अपने आप में ख़ास है, जो कि ये तमिलनाडु में अधिक मात्रा में ये पशु देखने को मिलती है। ये तमिलनाडु के क्षेत्र में ये इन सभी पशुओं को अधिक देखने को मिलती है। इसकी भी मिल्किंग अच्छी खासी हो जाती है।
नेक्स्ट है अपनी देश की गिर गाय, जो कि ये गिर गाय काफ़ी प्रचलित गाय है, जो राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अधिक वेटेज में ये है, काफ़ी अधिक संख्या में है। तो गिर गाय को तो भूला नहीं जा सकता, इसका मिल्किंग भी काफ़ी बेहतर होती है, अदर काउ की कंपेयर में इसकी फैट वगैरह भी काफ़ी अधिक होती है। तो ये गिर गाय भारतीय गाय की प्रमुख नस्ल है, जो कि दूध के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। गिर भारत का मूल्य गाय है। इसकी भी प्राइस की बात करें तो ये प्राइस 50-60 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, और ये भी डिपेंड करता है कि कितनी मिल्किंग है, उसके अकॉर्डिंग ये इसकी प्राइस, इसकी मिल्किंग की बात करें तो इसकी मिल्किंग थोड़ी कम होती है, बट ये काफ़ी अधिक अच्छी, इसकी मिल्किंग काफ़ी मोटा होती है, काफ़ी अधिक फैट होती है। नेक्स्ट